हेलो एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल कोड विद अनस गाइस। तो आज हमारी सीएसएस ट्यूटोरियल से रिलेटेड 22 वीडियो है। इससे पिछली वीडियो में हमने डिस्प्ले प्रॉपर्टी के बारे में पढ़ा था, तो इस वीडियो ट्यूटोरियल में हम पढ़ेंगे सीएसएस की पोजीशन प्रॉपर्टी के बारे में। तो पोजीशन सीएसएस के अंदर पोजीशन के लिए हमारे पास कुछ प्रॉपर्टीज होती है, उनको हम जान लेते हैं। तो ये कुछ प्रॉपर्टीज है हमारे पास सीएसएस पोजीशन प्रॉपर्टी। सबसे पहले हमारे पास स्टैटिक है, जो कि बाय डिफॉल्ट प्रॉपर्टी होती है। उसके बाद है रिलेटिव, फिक्स, एब्सोल्यूट और स्टिकी प्रॉपर्टी। और इन पांचों प्रॉपर्टीज़ के साथ हम जो है हेल्पिंग प्रॉपर्टीज़ को भी यूज़ कर सकते हैं, करते हैं। तो वो कौन कौन सी है हमारे पास? तो वो है हमारे पास लेफ़्ट, राइट, टॉप और बॉटम। एट द टाइम, किसी एक टाइम में हम इनमें से कुछ एक वैल्यू को यूज़ कर सकते हैं। जैसे लेफ़्ट और राइट में से भी कोई एक यूज़ कर सकते हैं, और टॉप बॉटम में से भी किसी एक वैल्यू को हम यूज़ कर सकते हैं। और अगर आपको पता हो तो हम वाई एक्सिस और एक्स एक्सिस में वैल्यू देते हैं। y एक्सिस वर्टिकली काम करता है कि इस तरीके से, अगर हमें टॉप से बॉटम में आना है तो उसको हम देंगे पिक्सल में, जैसे 1 पिक्सल, 2 पिक्सल, 3 पिक्सल और 4 पिक्सल। या अगर हमें बॉटम से जाना है टॉप की साइड पे, तो उसको हम देंगे माइनस में, जैसे -4 पिक्सल, -3 पिक्सल, -10, -50 पिक्सल, इस तरीके से। और इसी तरीके से काम करता है हमारा एक्सिस में। अगर हमें लेफ्ट साइड से जाना है राइट की तरफ, तो हम देंगे पिक्सल में वैल्यू, जैसे 10 पिक्सल, 20 पिक्सल। अगर राइट साइड से जाना लेफ्ट साइड की तरफ, तो उसको हम देते हैं माइनस में वैल्यू, -10 पिक्सल, -20 पिक्सल, इस तरीके से। तो चलिए प्रैक्टिकली करते हैं अपनी पांचों प्रॉपर्टी को। हम वेस कोड ओपन कर लेंगे। वेस कोड के अंदर आएगा, ये हमने एक सीएसएस ट्यूटोरियल नाम से फोल्डर बना रखा है, और उसी फोल्डर के अंदर हमारे पास दो फाइलें, index.html और style.css। style.css फाइल का लिंक दिया हुआ हमने हेड टैग के अंदर, और बॉडी टैग के अंदर हमने डिफ बनाया हुआ है, और डिफ को हमने क्लास दी हुई बॉक्स, और एक पी टैग लिया हुआ है, उसके अंदर हमने कुछ टैक्स लिया हुआ है। तो सीएसएस के अंदर आ जाएंगे। यहाँ हमने बॉक्स को जो है विथ लगाई हुई 200 पिक्सल, और हाइट दी हुई है, एक बॉर्डर लगाया हुआ है, और एक सिंपल बैकग्राउंड दिया हुआ है। अब सिंपली सबसे हम लगाएंगे अपनी पोजिशन प्रॉपर्टी को। तो सिंपली मैं लगाऊंगा पोजिशन प्रॉपर्टी, और सबसे पहले हमारे पास पोजिशन के अंदर स्टैटिक है, कंट्रोल एस करेंगे। तो स्टैटिक जो है बाय डिफ़ॉल्ट प्रॉपर्टी होती है, आप अगर अच्छा आप लगाएं या ना लगाएं, वो बाय डिफ़ॉल्ट प्रॉपर्टी ही होती है। तो उसके बाद है हमारे पास रिलेटिव। तो सिंपली हम लगाएंगे रिलेटिव, कंट्रोल एस करेंगे। तो अभी जो है रिलेटिव से कोई इम्पेक्ट नहीं पड़ा। तो इसके साथ हम देंगे अपनी हेल्पिंग प्रॉपर्टी, जैसे मैं सिंपली दे दूँगा टॉप से, इसको टॉप से दे देंगे 30 पिक्सल, 30 पिक्सल दे देंगे, और कंट्रोल एस करेंगे। तो इसने टॉप से जो है 30 पिक्सल का गैप ले लिया। तो अब इसको मैं दूंगा लेफ़्ट साइड से, तो सिंपली लेफ़्ट से इसको वैल्यू दे देंगे 30 पिक्सल। तो 30 पिक्सल दे देंगे, तो अब देख रहे हैं इसने जो है टॉप से जो है 30 पिक्सल का गैप ले लिया। तो अब ये इसकी रिलेटिव पोजीशन हो गई, क्योंकि जो हमारा जो बॉक्स है, जो वहाँ जहाँ भी होगा, जैसे कोई इमेज है या कोई टेक्स्ट है या कोई बॉक्स है, जो उसकी पोजिशन होगी वही उसकी रिलेटिव पोजिशन होगी। तो अब इसने टॉप से जो है 30 पिक्सल का गैप ले लिया, तो अब इसकी जो पोजीशन है वही उसकी रिलेटिव पोजीशन है। अब जो हम जितना भी गैप देंगे टॉप से या लेफ़्ट से, तो वो इसी जगह से जो है अपनी पोजीशन को चेंज करेगा। जैसे अगर मैंने लेफ़्ट से 30 पिक्सल कंट्रोल में एस करूं, तो आप देखें इसी साइड से इसने 30 पिक्सल का गैप ले लिया। पहले इसकी पोजीशन क्या थी? इस साइड पर थी। हमने टॉप से 30 पिक्सल गैप दिया, तो वो इस साइड पर आया, और अब उसकी जो पोजीशन थी वो 30 पिक्सल टॉप से हो गई थी। उसके बाद जो हमने लेफ़्ट साइड से 30 पिक्सल गैप दिया, तो उसने वहीं से अपनी जो है जगह को चेंज किया, और 30 पिक्सल का यहाँ से गैप लिया। तो अब जो इसकी पोजीशन है वो इसकी रिलेटिव पोजीशन है। तो सिंपली अगर मैं इसको सिंपली बढ़ा दूँ, इसको मैं 100 पिक्सल कर दूँ, कंट्रोल एस करें, तो देखें इसने वहीं से जो है 100 पिक्सल का गैप ले लिया। टॉप से भी हमारे पास गैप है, लेफ़्ट साइड से भी हमारा गैप है। तो रिलेटिव पोजीशन कुछ इस तरीके से काम करती है, जहाँ वो होती है वही उसकी रिलेटिव पोजीशन मानी जाती है। तो अगली प्रॉपर्टी हमारे पास एब्सोल्यूट, तो मैं सिंपली लगाऊंगा एब्सोल्यूट। तो एब्सोल्यूट ले लेंगे, और इसको मैं सिंपली डिलीट कर देंगे, इसको काट देंगे, और कंट्रोल एस करेंगे। तो अब जो है एब्सोल्यूट किस तरीके से काम करता है? तो एब्सोल्यूट जो है स्क्रीन के अकॉर्डिंग काम करता है, जिससे रिलेटिव पोजीशन जहाँ भी होती है वहीं से वो अपनी जगह चेंज करती है। रेटिंग एब्सोल्यूट में, इस एब्सोल्यूट केस में ऐसा नहीं होता, एब्सोल्यूट हमेशा टॉप से ही काम करती है। किस तरीके से? अगर मैं सिंपली इसको दे दूँ लेफ़्ट, या इसको अगर हम दे दें टॉप से वैल्यू, और इसको इधर करीब कर लेंगे थोड़ा, और टॉप से हम दे देंगे 10 पिक्सल दे देंगे, कंट्रोल एस करेंगे,
तो अब देखें इसने जो है टॉप से 10 पिक्सल गैप ले लिया। बाय द वे पहले इसकी जो पोजीशन थी वो यहाँ थी, तो जब हमने एब्सोल्यूट लगाया तो उसने ऊपर जो ऊपर की साइड पर चला गया, और अब हमने दिए 10 पिक्सल वैल्यू तो इसने ऊपर से 10 पिक्सल की वैल्यू ले ली। अब अगर मैं सिंपली इसको लेफ्ट से दे दूँ, इसको सिंपली लेफ्ट से हम दे देंगे 50 पिक्सल, कंट्रोल एस करेंगे तो ये वहीं से लेफ्ट साइड से 50 पिक्सल का गैप ले लेगा। अब अगर मैं सिंपली इसको बढ़ाऊँ और कर दूँ 50 पिक्सल टॉप से और कंट्रोल एस करें तो इसने टॉप से 50 पिक्सल का गैप ले लिया। तो ये स्क्रीन साइज़ के अकॉर्डिंग काम करता है एब्सोल्यूट पोजीशन। तो अगर मैं सिंपली इसको दे दूँ 10 पिक्सल माइनस 10 पिक्सल, तो कंट्रोल एस करें तो ये देखें ये इसने टॉप पे था ये, और माइनस को इसने टॉप से ही 10 पिक्सल ले लिया तो ये स्क्रीन से आउट हो गया, स्क्रीन से बाहर चला गया। तो अगर मैं सिंपली इसको -1 पिक्सल कर दूँ, कंट्रोल एस करूँ, और ये देखें ये आ गया पूरा आ गया, और ये अपने जो स्क्रीन से वो टच हो रहा है। इसको माइनस से हटा दें और कंट्रोल एस करें तो ये देखें इस तरीके से काम करती है हमारी एब्सोल्यूट पोजीशन स्क्रीन के अकॉर्डिंग, और ये हमेशा टॉप से ही गैप लेते हैं। तो अगली प्रॉपर्टी हमारे पास फिक्स, तो सिंपली एब्सोल्यूट को हटा के हम करेंगे फिक्स। तो फिक्स नाम से आपको पता चलता है फिक्स जो है हमेशा अपनी जगह पर फिक्स ही हो जाता है। इसको हम काट देंगे लेफ्ट और टॉप को, और सिंपली मैं HTML के अंदर आऊँगा और इसको हम काट देंगे। और सिंपली हमने जो है अपने पी टैग को कॉपी करना है और इसे मल्टीपल टाइम बार पेस्ट कर देना है। इसको मैं काफ़ी मल्टीपल बार पेस्ट कर दूँगा, कंट्रोल एस करेंगे और ये आ गया हमारा टेक्स्ट। अगर मैं सिंपली इसको बड़ा कर लूँ और अपने टेक्स्ट को थोड़ा सा और कर लेंगे हम, और कंट्रोल एस करें, इसे कंट्रोल एस करेंगे और इसको हम बड़ा कर लेंगे। अब अगर मैं सिंपली इसको स्क्रॉल करूं तो आप देख रहे हैं जो हमारा बॉक्स है वो फिक्स अपनी जगह पे फिक्स हो चुका है। तो इस तरीके से काम करती है हमारी फिक्स पोजीशन। तो आपको समझ आएगी सारी प्रॉपर्टीज़। तो अगली प्रॉपर्टी हमारे पास स्टैटिक। अगर मैं सिंपली फिक्स में भी इसको गैप दे दूँ, जैसे लेफ्ट से इसको मैं दे दूँ 50 पिक्सल, कंट्रोल एस करूं तो इसने लेफ़्ट से 50 पिक्सल का गैप ले लिया। और सिंपली इसको अब अगर हम स्क्रॉल करें तो उसी तरीके से फिक्स हो जाएगा अपनी जगह पर। इस तरीके से काम करती है हमारी फिक्स पोजीशन। तो अगली प्रॉपर्टी हमारे पास स्टिकी है, और इसको हम लेफ़्ट से हटा देंगे, कंट्रोल एस करेंगे तो ये अपनी जगह पर आ जाएगी। अब स्टैटिक किस तरीके से काम करती है स्टिकी, इसको मैं सिंपली दूंगा टॉप से इसको ले लेंगे 100 पिक्सल गैप, और लेफ़्ट से भी हम दे देंगे सिंपली इसको लेफ़्ट से भी कुछ गैप दे देंगे, और लेफ़्ट से इसको हम दे देंगे 100 पिक्सल, कंट्रोल एस करेंगे तो ये हमें टॉप से भी 100 पिक्सल का गैप मिल चुका है, लेफ़्ट साइड से भी। अब अगर सिंपली मैं इसको जो है स्क्रॉल करूँ तो ये देखें ये अपनी जगह पर जो है फिक्स रहेगी, और इस तरीके से हमारी जो है स्टैटिक प्रॉपर्टी काम करती है। तो होप सो आपको पांचों प्रॉपर्टी समझ आएंगी किस तरीके से हमने स्टैटिक प्रॉपर्टीज़ को यूज़ करा, रिलेटिव, फिक्स और एब्सोल्यूट और स्टिकी प्रॉपर्टी। तो इसी तरीके की वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।